उस दिन दो बड़े काम हुए। दुश्मन ने पूरा जंगल कब्जा लिया और वो भी पैदा हो गया। चचा जी, हम कब से चले जा रहे हैं? आखिर आप मुझे यहाँ क्या बताने लाए हैं? मैंने तुम्हें पाला सिर्फ बदले के लिए। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। जंगल का राजा बगीरा, जो अपने जंगल को यहाँ से यहाँ तक ले आया, आज उसकी प्रजा उससे बड़ी खुश थी। बगीरा ने जहाँ कभी मेहनत करके 10-10 रुपए कमाने शुरू किए थे, आज उसके यहाँ पैसों और माल से भरे ट्रक आने लगे थे। बगीरा को हर खुशी मिल गई थी। कमी थी तो सिर्फ उसके यहाँ एक वारिस की। एक बार बगीरा दूर कहीं एक काम के सिलसिले में निकल गया। उधर दुश्मन को उसके जाने की खबर मिल गई। वक्त आ गया है उसकी हर चीज पर कब्जा करने का। वो जंगल से बाहर गया हुआ है। आज हम उसके जंगल को शमशान बना देंगे। राधे बाग अपने जालिम सिपाहियों को लेकर बगीरा के जंगल पर टूट पड़ा। उसने चारों तरफ तबाही फैला दी। जो भी उसके सामने आया सबको मार डाला। मेहनत से बनाए जानवरों के घरों को जलाकर उसने राख कर दिया। वो आधे से ज्यादा जंगल को तबाह कर चुका था। उधर बगीरा के पास एक रामू सिपाही पहुंचा, जो बगीरा का बड़ा करीबी था। महाराज, जिसे आप दोस्त मानते थे उसने ही आज हमारे बसे बसाए जंगल को जला कर रख दिया। महाराज, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए महाराज। बगीरा ये सुनकर तेज रफ्तार से भागता हुआ जब जंगल पहुंचा, तो उसने देखा सब कुछ तहस नहस हो चुका था। बगीरा तुरंत राधे के पास पहुंचा। मैंने तुम्हें अपना भरोसेदार दोस्त समझा, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले। क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि अब मैं यहाँ अपना एक साम्राज्य बनाऊंगा। तुम्हारा कमाया सारा धन आज से मेरा है। अब मैं हूँ यहाँ का राजा। राधे ने बगीरा को मौत की घाट उतार दिया। उधर रामू सिपाही बगीरा की पत्नी के पास पहुँचा, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। रामू सिपाही, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, वो यहाँ तक भी पहुँचता ही होगा। तुम अभी मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो। ले जाओ इसको रामू, बचा लो मेरे बेटे को। और मैं तुम्हें वहाँ से उठा लाया था। मैंने तुम्हें उस राधे से छिप कर पाला है। और मेरी माँ के साथ क्या हुआ? उस राधे बाग ने तुम्हारी माँ को एक कैद खाने में डलवा दिया था, और वो आज भी तुम्हारा इंतजार करती है कि तुम उस जालिम से अपना बदला लेने जरूर आओगे। अपनी माँ और जंगल को आजाद कराने के लिए मुझे जंगल में अंदर जाकर वहाँ का जायजा लेना होगा। शिवा ने एक प्लान बनाया और राधे बाग के जंगल के बाहर खड़ा हो गया। तभी राधे बाग की सगी बेटी सिपाहियों के साथ बाहर आई, जो कि किसी काम से दूसरे जंगल जा रही थी। शिवा ने प्लान के मुताबिक कुछ सिपाहियों को उन पर हमला करने के लिए भेज दिया। राधे के कुछ सिपाही मारे गए, लेकिन शिवा जाकर उन सब को डरा कर वहाँ से भगा देता है। तुम ठीक तो हो राजकुमारी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें ऊपर वाले ने मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, नहीं तो खूनी शेर मुझे मार डालते। मेरा नाम रोहिणी है, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तुम्हें इस एहसान का इनाम मैं जरूर दूंगी। रोहिणी शिवा को अपने पिता के पास लेकर जाती है। पिताजी, यही है वो जिसने उन जालिमों से मेरी जान बचाई है। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं जिंदा न बच पाती। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तुम्हें इनाम में क्या दे सकता हूँ? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए महाराज, बस मैं कुछ दिन आपके जंगल में ठहरना चाहता हूँ। शिवा को वहाँ रहने की आज्ञा मिल गई और रोहिणी ने शिवा को अपना पूरा जंगल घुमाया। शिवा ने चारों ओर नजर दौड़ाकर वहाँ का पूरा जायजा ले लिया, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रात के समय शिवा अकेला अपनी माँ को याद करता हुआ रो रहा था, लेकिन तभी रोहिणी उसके पास आई। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन बड़े दुख के सामने छोटे दुख दुख नहीं लगते। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। रोहिणी शिवा को उसकी माँ के ही पास लेकर चली जाती है। शिवा ये देखकर हैरान रह गया। देखो शिवा, ये बेचारी पिछले 30 सालों से एक ही बात कहती है कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। इसी उम्मीद में ये आज तक जिंदा है।
अगर तुम्हें इन पर इतना रहम आता है तो तुमने इनको आजाद क्यों नहीं करा दिया? पिताजी को मैंने बहुत समझाया लेकिन इस बारे में वो कुछ बोलने ही नहीं देते। तुमने बिल्कुल सही कहा था रोहिणी, इन्हें देख मेरा दुख हल्का हो गया। शिवा अगले ही दिन अपने चाचा रामू के पास पहुँच गया। रामू चाचा, राधे के सिपाही जंगल में चारों ओर फैले हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी माँ को वहाँ से कैसे निकालूं? अगर तुम कहो तो मैं कुछ ही दिनों में अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर लेता हूँ जो राधे के सिपाहियों को फाड़ डालेगी। नहीं चाचा, एक जान को बचाने के लिए अनेक जानों को खतरे में नहीं डाल सकते, इस जंग में बहुत खून बहाया जाएगा, मुझे कुछ और ही सोचना होगा। शिवा अगले दिन रोहिणी से मिलने जाता है। अरे शिवा, तुम बिना कुछ बताए ही किधर चले गए थे? रोहिणी, मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी माँ मर चुकी है। आज से 30 साल पहले तुम्हारे पिता ने हमारा पूरा जंगल बर्बाद कर दिया था, मेरे पिताजी को मार डाला, और जो आज भी तुम्हारी कैद में है वो ही मेरी माँ है। मेरी माँ के सिवा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो तो मार डालो मुझे, और अगर तुम में दया है तो कर दो मेरी माँ को आजाद। अगर कोई और होता तो शायद मैं उसको मार डालती, लेकिन मुझ पर भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रोहिणी ने शिवा की माँ को आजाद कर दिया और उन दोनों को चुपके से वहाँ से भगा दिया। शिवा अपनी माँ को लेकर चाचा रामू के पास पहुँच गया। देखो महारानी, तुम्हारा बहादुर बेटा आज तुम्हें आजाद करा लाया, इसने अपना वादा पूरा किया। लेकिन उधर राधे ने सभी सिपाहियों के सामने रोहिणी को कैद कर दिया। इसने मेरे दुश्मन का साथ दिया है, ये एक गद्दार है, इसको सजाए मौत मिलेगी। ये खबर किसी तरह शिवा तक भी चली गई। रुक जाओ शिवा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जाने दो उसको, वो रुकेगा नहीं, तुम मेरे साथ आओ। शिवा भागता हुआ जंगल पहुँचा, लेकिन सिपाहियों ने पिंजरा फेंक कर उसे भी कैद कर लिया। आओ आओ शिवा, वफादारी दिखाने आए हो, लेकिन गलती कर दी तुमने यहाँ आकर, कल सुबह इन दोनों को लटका देना सूली पर। तभी वहाँ पर भागता हुआ सिपाही एक खत लेकर आता है। राधे, अगर तूने उन दोनों को थोड़ा भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तेरा सारा धन जलाकर राख कर दूंगी। ये पढ़ते ही राधे अपने सिपाहियों को लेकर सीधा अपने माल से भरी गुफा पर पहुँचा। तुम्हारी इस माल से भरी गुफा के चारों ओर मैंने पेट्रोल डाला हुआ है, अगर तू अभी के अभी ये जंगल छोड़कर ना गया तो तेरा ये सारा धन जलाकर राख कर देंगे हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये मेरी सारी उम्र की कमाई है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम इसको मत जलाना। राधे अपने सिपाहियों को लेकर हमेशा के लिए चला गया। राधे को उसके पैसे भी वापस कर दिए गए और रोहिणी भी अब शिवा की माँ के साथ ही रहने लगी। जंगल फिर से शिवा के पास ही आ गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।